बनी है ये दुनिया, प्यार सनम है प्यार खुदा। जब से बनी है ये दुनिया, प्यार सनम है प्यार खुदा। आओ प्यार करें, प्यार करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें, प्यार करें, आओ प्यार करें। दिल ही नहीं जो ना हो बेकरार, आंख वो क्या जिसमें नहीं किसी का इंतजार। वो दिल दिल ही नहीं जो ना हो बेकरार, आंख वो क्या जिसमें नहीं किसी का इंतजार। कितनी भी हो ये दुनिया हसी, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। आओ प्यार करें, प्यार करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें, प्यार करें, आओ प्यार करें। मैट मैं अभी अभी आया। अरे राकेश गाड़ी कहाँ लेके जा रहा हूँ? एयरपोर्ट जा रहा हूँ शालिनी को रोकने, वो यूरोप जा रही है। राकेश जरा संभल के जा रहा, गाड़ी खराब है। राकेश राकेश बात है डॉक्टर, राकेश की जान को तो खतरा नहीं ना? जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम चारों के अलावा इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं है। सर में चोट आने की वजह से काफी खून जा चुका है, हाथ और पांव में कंपाउंड फ्रैक्चर हो गए। लगता है आप लोगों की मोहब्बत ही उसे मौत के मुंह से खींच लाई, वरना इस एक्सीडेंट के बाद जिंदगी को तो एक करिश्मा ही समझिए। शालिनी, ये शालिनी कौन है? शालिनी इसका अधूरा ख्वाब है डॉक्टर साहब, इतना हसीन ख्वाब जिसे देखने के लिए इसने फिर से आंखें बंद कर ली है।
दिशा में अब तुम्हारा जल्द से जल्द इलाज होना जरूरी है, मगर वक्त बहुत कम है। वक्त भी कम है और जीना भी जरूरी है। तुम ठीक कह रही हो, आओ। हाँ, चलो चलो। क्या बात है शालिनी, तकलीफ ज्यादा हो रही है क्या? जब जिंदगी बोझ बन जाए तो तकलीफ कैसी। ये दिल की बीमारी बहुत बुरी होती है। तुम ठीक ही कहते हो, ये दिल की बीमारी बहुत बुरी चीज होती है, ना जीने देती है और ना मरने। फ्रेंड्स, डॉक्टर ने कहा है कि ये क्रॉनिक हार्ट ट्रबल के केस है, अगर आप इनकी जिंदगी चाहते हैं तो ऑपरेशन कराना निहायत ही जरूरी है। क्या डॉक्टर ने कोई दवा दी है? हाँ, डॉक्टर ने ये दवा दी है और कह गए हैं कि ऑपरेशन जल्द हो जाना चाहिए। राकेश, तुम्हें देखने को तरसती हुई निगाहें तुम्हें कभी माफ ना कर सकेंगे राकेश। मुझे जीना नहीं, मुझे मर जाने दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो डॉक्टर। मिस्टर राकेश, आप एक नौजवान हैं, आपको इस तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरी नफ्स को डूब जाने दीजिए डॉक्टर, मुझे जहर दीजिए, दवाई ना दीजिए, मुझे जहर दीजिए डॉक्टर, मुझे जहर दीजिए। इलाज के लिए यूरोप आई हो मिस शालिनी, अगर तुम इसी तरह दवा पीने से इनकार करती रही तो मैं सच कहती हूँ तुम्हारे बचने की कोई सूरत नहीं हो सकती। मेरा जिंदा रहना बेकार है डॉक्टर, मेरी जिंदगी की जरूरत अब किसको है? किसी को भी नहीं, मुझे भी नहीं। कितनी अच्छी लड़की हो तुम, कितनी खुशी होती है तुम्हें देखकर, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर दिल भर आता है। इतनी हसीन जिंदगी और जिंदगी से यूं मायूस, मुझे तुम पराया ना समझो। मैं डॉक्टर हूं और तुम्हारी हमवतन, मेरे सीने में भी औरत का दिल है, देखो मुझसे कुछ ना छुपाओ। नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हारी जबान से किसी का नाम सुना था जब तुम बेहोश थी। किसका नाम? अगर मैं भोली नहीं हूं तो वो नाम था राकेश। राकेश, अब क्या होगा डॉक्टर? जब मरीज ही जीना न चाहे तो उसको कौन बचा सकता है? कुछ तो करना ही होगा डॉक्टर साहब। जिस किस्से से इन्हें सदमा पहुंचा है उसकी अच्छी घड़ी इनके सामने दोहराई है, शायद फिर से इन्हें जीने की ख्वाहिश पैदा हो जाए। नहीं चाहिए, मुझे दवाई नहीं चाहिए। राकेश, राकेश क्या हुआ? क्या हुआ? आप सब इनके दोस्त हैं, इनकी जरा हिम्मत बनाइए। ऐसी क्या बात, सारा किस्सा मुझे सुनाइए, मैं शायद कुछ मदद कर सकूं। ये सारा कसूर मेरा है डॉक्टर साहब। मेरा क्या, गरीबी का। हम चारों अनाथ आश्रम में पले हैं। मुझे एक लड़की आशा से मोहब्बत थी, लेकिन उसने मेरी गरीबी देखकर मुझसे शादी से साफ इनकार कर दिया। आखिर हार कर एक दिन मैंने खुदकुशी की ठान ली। दोस्तों, आज मैंने जान देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि मेरी आशा ने मेरे साथ शादी से इनकार कर दिया है। वो कहती है कि दो चार दिन की तो और बात है, मगर मैं सारी जिंदगी एक मुफलिस और कड़के आदमी के साथ नहीं गुजार सकती। मैंने बड़ी कोशिश की कि उसे किसी तरह समझा सकूं। मैंने उस पंडित का नाम और पता भी दिया जिसकी पेशेंगोई के मुताबिक मैं 10 साल के बाद बिरला और दालमिया बनने वाला था, लेकिन आज उसने मोहब्बत को आखिरी झटका भी दे दिया और मोहब्बत की आखिरी कुर्बानियां मेरी तस्वीर और वो सोने की अंगूठी भी वापस कर दी जो मैंने उसी से पैसे कर्ज लेकर बनवाई थी। जीने की मजबूरियां तो रही एक तरफ, आजकल मरने में भी बड़ी बड़ी मुश्किलें पेश आती हैं। आज मैं चौपाटी पर अपने जिस्म का यतीम खाना समंदर की लहरों की नजर कर दूंगा। होश में आओ हरी, कुछ पागल हो गए हो? लड़की खोकर फिर मिल सकती है, लेकिन तुम एक दफे गए तो गए। अरे
आज यहाँ और कल वहाँ। आखिर बता तो सही कि आशा ने कहा क्या? कह दिए कि 150 रुपए की आमदनी में रोज रात को मैं उसे गेलौर में कॉफी का प्याला तक नहीं पिला सकता। नॉनसेंस! अंधेरी रात में बीवी अपने शौहर को अपने करीब चाहती है या काली कॉफी की प्याली? आजकल की लड़की आखिर ये क्यों नहीं समझती कि वक्त बदल रहा है, इंसान बदल रहा है, जमीन बदल रही है, आसमान बदल रहे हैं। कल का हरी दूसरा हरी होगा, कल उसके पास रुपया होगा, दौलत होगी, इज्जत होगी, शराफत होगी। सुभान अल्लाह, आज एक गरीब की इज्जत और मोहब्बत की जंग है, कल यही वक्त सब गरीबों पर पड़ने वाला है। महाशय कितना अच्छा बोलते हैं आप। कान खोल कर सुन लो, दुश्मन बच के जाने ना पाए, घेर कर मार लो उसे। किसे मार ले? मार ले? क्यों भाई, क्यों मार ले, किस लिए मार ले? हमारा किसी ने क्या बिगाड़ा है? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि गरीबों को अमीरों से नफरत है और आशा को अमीरों से मोहब्बत है, तो भेज दे करोड़पति उसके पास। करोड़पति? ओ, ये जूता बहुत टाइट है। चोरी के माल का कोई साइज नहीं होता, जो मिल जाए पहन लो। और करोड़पति आदमी का लिबास परफेक्ट नहीं होता। नहीं तो वो करोड़पति बने कैसे? कितना खूबसूरत लग रहा है उस लिबास में। चोर बाजार की घड़ी, फुटपाथ के नेकटाई, चोरी के जूते और इसका सूट। मियां राकेश, अब तो तुम करोड़पति दिखाई दे रहे हो, लेकिन याद रखना कहीं ऐसे ना हो कि हर चीज करोड़पति की हो और जबान करके सेल्समैन की। कपड़े और जूते दगा दे जाए तो दे जाए, मेरी जबान दगा नहीं दे सकती। राकेश साहब, तुम्हारे हरी के दोस्त तुमसे मिलना चाहते हैं। आशा, शायद इसी सिलसिले में। मगर मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। शालिनी प्लीज, तुम उन्हें किसी बहाने टाल दो, कह दो मैं हरी से शादी नहीं कर सकती। जो हुकुम। मिस्टर राकेश। हेलो मिस आशा। मेरा नाम आशा नहीं है, मैं उसकी रूममेट हूँ। आप आशा नहीं, क्या नाम है आपका? शालिनी। शालिनी, बहुत प्यारा नाम है, अच्छे नाम वाले का दिल भी अच्छा होता है। आपको मुझसे काम है या मेरे दिल से? दोनों से। आपको अंदाजा नहीं कि आपसे मिलकर मैं कितना खुश हूँ। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा काम जरूर हो जाएगा। देखिए आशा तो बीमार है, आपको जो कुछ कहना है वो मुझसे कहिए, लेकिन जरा जल्दी मुझे ऑफिस जाना है। मैं अपने दोस्त हरी की जान बचाने आया हूँ, वो आशा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, बेचारा भी मौत मारा जाएगा। मुझे आपसे और आपके दोस्त से पूरी हमदर्दी है। शुक्रिया। मैं अपने कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग छोड़कर आया हूँ, क्योंकि ये तो जिंदगियों का सवाल है, दुनिया में इससे ज्यादा शुभ काम और क्या हो सकता है। इस शुभ काम में आपकी मदद की जरूरत है। आपके इरादे तो बड़े नेक मालूम होते हैं। यकीन मानिए शालिनी, आई मीन मिस शालिनी, हरी खुदकुशी करने वाला था, ये तो अच्छा हुआ कि हमने उसकी जान बचा ली। देखिए मिस शालिनी, आप मेरे दोस्त के गर्लफ्रेंड का फ्रेंड हैं और मैं आपकी दोस्त के बॉयफ्रेंड का फ्रेंड हूँ, इसलिए हम दोनों फ्रेंड्स को चाहिए कि हम आपके फ्रेंड का गर्लफ्रेंड, आई मीन आपके फ्रेंड का बॉयफ्रेंड और मेरे फ्रेंड का गर्लफ्रेंड का झगड़ा खत्म कर लें। और साथ साथ मेरी दोस्त आशा की जिंदगी भी खत्म कर दें, उसके सारे सपने और उसका करियर भी। और कोई पूछे ये सब किस लिए? आपके गरीब दोस्त हरी के लिए, जो बात बात पर खुदकुशी करने को तैयार हो जाते हैं। मुमकिन है कि शादी के बाद ये खुदकुशी का शौक फिर ताजा हो जाए। देखिए मैं कह देती हूँ कि शादी नहीं हो सकती। आपको शायद मालूम नहीं कि हरी चाहे गरीब है लेकिन उसके दोस्त बहुत अमीर है। मिसाल के तौर पर जो शख्स आपके सामने बैठा हुआ बातें कर रहा है वो एक रईस करोड़पति। मेरे लिए हरी को 1-2 लाख रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं, बाएं हाथ का खेल। मैं वादा करता हूँ मिस शालिनी कि अगर आपकी दोस्त ने मेरे दोस्त से शादी कर ली तो वो शहजादियों की तरह रहेगी। मैं नौकरों से घर भर दूंगा, मुफ्त होगी, रेफ्रिजरेटर होगा और दुनिया की हर वो चीज होगी जो अमीरों के घरों में होती है। आखिर इतना पैसा किस दिन काम आएगा? आपका ख्याल है कि आशा और हरी के लिए हम एक छोटा मोटा सा यतीम खाना खोल रहे हैं? जी नहीं, आजकल तो सोशलिज्म का जमाना है और मैं तो जनता का सेवक हूँ, दोस्तों का दोस्त हूँ, अमीरों का गरीब हूँ, आई मीन गरीबों का अमीर हूँ। नया जूता है क्या? जी नहीं, है तो पुराना, सिर्फ बात इतनी है कि मेरा जूता सड़क पर चलने का आदी नहीं है, मोटर में जाता है और मोटर में आता है। मेरा ख्याल है कि आप और आपका जूता दोनों को मेरे साथ चलने का बिल्कुल फायदा नहीं। चलिए इस बहाने दोनों को कभी न कभी एक्सरसाइज तो मिल जाती है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा पैसा कहीं गलत जगह तो नहीं लग रहा है सर। क्या मतलब? मतलब ये है कि जिस लड़की पर हमारा रुपया जाया हो रहा है वो आशा तो नहीं है। किसी ने सच कहा है कि गधे दोस्तों से अकलमंद दुश्मन अच्छा होता है।
कभी ताश खेले हो? ताश में होता है इक्का, दुग्गी और तिग्गी। आशा तिग्गी, हरी इक्का, और इन दोनों को मिलाने वाली ये खूबसूरत सी दुग्गी है जो मिडिल पिंक का काम कर रही है और जिसके बगैर ताश नहीं बन सकता। तो पैसे निकालो और आइंदा से याद रखना कि ट्रस्ट इन गॉड एंड ट्रस्ट इन मी। बेस्ट ऑफ लक टू यू हरी। मोटर पसंद आई आपको? अच्छी है। ये मोटर मैं अगर हरी और आशा की दहेज में दे दूं तो क्या ख्याल है आपका? ख्याल भी आपका अच्छा है, मगर आशा इस मोटर के साथ शादी करना पसंद करे या ना करे? आजकल की पढ़ी लिखी और काम करने वाली लड़कियां भी खूब होती है। धरती के औलाद कुछ ऐसा बदली कि मजा आ गया। ये लड़कियां बहुत बुरी होती हैं ना? बहुत बुरी होती है, जान ले लेती है। मेरा मतलब है बहुत अच्छी होती है। भगवान ने लड़कियों को जन्म दिया है जान देने के लिए, जान लेने के लिए तो नहीं। देखिए मिस्टर राकेश जी, क्योंकि हमारे देश में लड़की का फ्यूचर लड़की के हाथ में होता है, इसलिए वो जिंदगी में सबसे पहली चीज सिक्योरिटी चाहती है। जी हाँ, यानी कि अपनी जान की हिफाजत। इसका ये मतलब हुआ कि पढ़े लिखे प्यार करने वाले नौजवान को छोड़कर किसी पैसे वाले गंवार से या किसी रईस जूते वाले बिजनेसमैन से या बहुत से होटल रखने वाले बावर्ची से शादी कर ली जाए। वो जाहिर तो जिंदगी भर अपने काम में लगा रहे और लड़की अपने घर में बैठी हुई उन गैर शाराना बच्चों की परवरिश करती रहे जिन्होंने मोहब्बत की वजह से नहीं सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से जन्म लिया है। मैं अर्ज कर रहा था कि अजीब जिद लेके बैठी हुई आशा देवी, आप उन्हें समझाइए और आप मुझसे समझ लीजिए। फर्ज कीजिए कि मेरी और आपकी मोहब्बत हो जाए। जी अजीब मोहब्बत होते होते होती है, अभी थोड़ी हुई जा रही है। और उसके बाद फर्ज कीजिए कि हमारी शादी हो जाए। और उसके बाद फर्ज कीजिए कि 10 बच्चे भी हो जाए। हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो 2 करोड़ रुपए का मालिक होने के बावजूद मैं आपसे ये थोड़ी पूछने बैठूंगा कि आपकी कितनी आमदनी है, कितने जेवर हैं, क्या बैंक बैलेंस है, क्योंकि ये सवालात करने वाला कोई रोमियो नहीं हो सकता। हाँ, इनकम टैक्स ऑफिसर जरूर हो सकता है। जी मेरा मतलब है कि क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी शादी के सिलसिले में? अगर आप किसी अच्छी जगह एक बड़े फ्लैट का इंतजाम कर सकें और आशा के नाम 1 लाख रुपए का चेक लिख दें तो मैं इस काम की कोशिश कर सकती हूँ। 1 लाख रुपए नकद? जी मेरा मतलब है कि आजकल के जमाने में 1 लाख रुपए व्हाइट मनी किसके पास है? चेक कैश नहीं किया जाएगा, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए जमा रहेगा। जब तुम्हें 5 लाख रुपए का चेक देने को तैयार हूँ। अरे भाई मेरे पैर क्यों पकड़ते हो? मैं तो खुद किसी अमीर आदमी के पैर ढूंढ रहा हूँ। यार कुछ तो सोचो। मैं सोच ही तो रहा हूँ। सोचने में टाइम लगता है हरी। मैं सोच रहा हूँ अगर आशा मान गई तो मेरा और आशा का होगा क्या, या लड़का होगा या लड़की होगी? अरे जब माँ बाप ही भूखे मरेंगे तो बच्चे कैसे होंगे? हम मदद करेंगे, 1 महीने का खर्चा देंगे और फ्लैट देंगे, और 1 महीने में आशा और हरी दौलत के नशे को भूल कर एक और ही नशे में खो जाएंगे। अबे 1 महीने का खर्चा आएगा कहाँ से? भगवान देगा। कैसे? क्या तुम वहाँ क्या देख रहे हो? एक भूखी लड़की क्या देगी? एक भूखी लड़की से तो कुछ नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, मेरे को ऐसा धंधा करना पड़ना नहीं। लेकिन सेठ जी, हम गरीब आदमी है, हमारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं। न मकान है, न जमीन है, न तो आप लोगों को मेरा खोखा उड़ा देने का है। अरे नहीं, बिना सिक्योरिटी क्या मैं आपको 12,000 रुपया दे दूंगा? नहीं, 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 नहीं। सेठ जी, 12,000 और एक फ्लैट? हाँ, मतलब सेठ जी जरा बिजनेस का आइडिया तो सुन लीजिए। सुन लीजिए, 12,000 में पैरिस से मैम बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे? मैम को आपके फ्लैट में ठहराएंगे। ठहराएंगे, फिर मैम की पब्लिसिटी करेंगे। करेंगे, फिर मैम नाचेगी। नाचेगी, पैसा ही पैसा। अजी इस काम के लिए इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? मेरी दोस्त भारती देवी जो है इस काम के लिए, वो भरतनाट्यम और कथक तो ऐसा डांस करती है कि सबका खोखा उड़ा देती है। गोली है गोली। सेठ जी, आपकी भारती देवी के कितने बच्चे हैं? क्या मतलब कितने बच्चे? मतलब उसका मतलब है सेठ जी कि आपकी जो भारती देवी है ना, उसके कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। 7 बच्चे की माँ है वो। 7 बच्चे हैं? हाँ। तुम्हें 7 टिकट बिकेगी सेठ जी? क्या मतलब? तो पेरिस की मैम की कितनी टिकट बिकेगी? सुनो भाई जी, जब पेरिस की मैम नाचेगी तो शहर में तहलका मच जाएगा, लाखों लोग उसकी तरफ टूट पड़ेंगे, लाठी चाल होगा, गोलियां चलेंगी। तुम बोलो, आगे बोलो। गोली चलेगी और वो अपने सीने पर गोलियां खाते हुए भी लोग उसी तरफ बढ़ेंगे जहाँ पेरिस की मैम नाचती होगी। हाँ, इसके लिए वजह से जी आपको बताओ। देखिए सेठ जी, ये पेरिस की मैम में एक खास किस्म की होती है। आप कहें तो हम आपको एक नमूना पेश कर दें। हाँ, तो जंबो है, मैदान में आ जाओ। आ गया। देखो
झुकी 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 निगाहें तेरी, ये रुकी रुकी झुकी सी आहें तेरी, दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, अब ये बात छुप सकेगी कैसे तेरी है, ये झुकी 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 निगाहें तेरी, ये रुकी 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 सी आहें तेरी, दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, अब ये बात चुप सकेगी कैसे तेरी, ये झुकी 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 निगाहें। वाह वाह मस्तियों में डूबी मस्त मस्त तेरी अदा, हर अदा में झूमता हुआ सा एक नशा, मस्तियों में डूबी मस्त मस्त तेरी अदा, हर अदा में झूमता हुआ सा एक नशा, है राज क्या समझ लिया समझ लिया, ये झुकी 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 निगाहें तेरी, ये रुकी 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 सी आहें तेरी, दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, अब ये बात चुप सकेगी कैसे तेरी, ये झुकी 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 निगाहें। ये तेरी सादगी ये बांकपन ये शौकियां, मुँह छुपा नहीं तो गिर पड़ेगा आसमान, ये तेरी सादगी ये बांकपन ये शौकियां, मुँह छुपा नहीं तो गिर पड़ेगा आसमान, है झूठ क्या खुदा गवाह खुदा गवाह, ये झुकी 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 निगाहें तेरी, ये रुकी 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 सी आहें तेरी, दिल का राज कह गई तुझको प्यार है कहीं, अब ये बात चुप सकेगी कैसे तेरी, ये झुकी 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 निगाहें तेरी। ठीक है मैं सब समझ गया सब समझ गया। मुनीम जी इन लोगों को 12,000 रुपया दे दो और अपने भारतीय देवी को बोल दो कि मरीन ड्राइव वाला फ्लैट खाली कर दे। इस घर में आशा और हरी की नई दुनिया छुप गई। ये वो घर है जहां आप कुछ साल के बाद आएंगे और हंसते हुए बच्चे आपका स्वागत करेंगे और कहेंगे आम जी हमारे लिए क्या लाई है। मैं उनके लिए लाऊंगी चॉकलेट। और अगर कुछ रोते हुए बच्चों ने आपसे पूछा अंकल आप हमारे लिए क्या लाए हैं तो मैं उनके लिए लाऊंगा एक आंटी। ये फ्लैट तो बड़ा अच्छा है। हाँ अच्छा आदमी अच्छा ही फ्लैट मिलते हैं। बेडरूम मुलाजा फरमाइए। ये बिस्तर देखिए डबल गद्दा है क्या आराम मिलता है। नहीं नहीं अब उठिए। इसमें नाराज होने की क्या बात है बिस्तर बना है लेटने के लिए। मेरे लिए नहीं आशा के लिए। तो क्या आप खड़े खड़े ही सारी जिंदगी गुजार देंगी। मेरे उठने बैठने से आपको क्या मतलब ये कि खैर छोड़िए किसी ना किसी दिन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। वो ये घर है कि चिड़िया खाना। कबूतरों का घोंसला लकी होता है। लेकिन वो दो कबूतर जो इस घोंसले में रहने के लिए आएंगे वो यहाँ कैसे रहेंगे। यहाँ तो पर्दे भी नहीं है कहीं। आप कहें तो आयरन कर्टन लगवा दूं। आप कहें तो इस घर को एयर कंडीशन कर दूं। आप कहें तो इस घर को जन्नत बना दूं। घर जन्नत या जहन्नुम बनता है आदमी और औरत के रिश्ते से। वरना दीवारें तो जेल की भी होती है और खाना होटल में भी मिल सकता है। लेकिन एक घर ही ऐसी जगह है जिसकी पवित्र चार दीवारी में आदमी और औरत का प्यार बुना नहीं धर्म बन जाता है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो मिलिनर मैं आप ही से तो कह रही हूँ। मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि मैं एक करोड़पति हूँ। आइए बैठिए। ये लीजिए ये रहा शादी का प्रोग्राम। ओहो हाँ देखे 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 सब ठीक है लेकिन एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कुछ कमजोर है। आपको मालूम है आशा क्या कह रही थी। क्या कह रही थी कि एंटरटेनमेंट के लिए मुझे स्टेज पे नाचना है। होल्ड ऑन मेरी हिम्मत नहीं बढ़ती। हिम्मत के लिए मैं जो आपके साथ हूँ। घबराइए नहीं ज्यादा गैस नहीं होंगे। आप इतने बड़े करोड़पति हैं और मेरे साथ स्टेज पे। क्या बात है
Then I'll try. Wonderful! That's lovely. आशा कितनी अच्छी दुल्हन मालूम होती है। हर दुल्हन प्यारी मालूम होती है। एक आध ऐसी भी होती है जो शादी से पहले भी दुल्हन नजर आती है। अच्छा, मैंने तो कोई ऐसी लड़की नहीं देखी। मैं देख रहा हूँ। मेरा मतलब है कि आपको दुल्हन बनने का शौक नहीं? किसका दिल ना चाहेगा मिस्टर राकेश, लेकिन ये नाता बहुत पवित्र होता है, बड़ा नाजुक होता है। मैं इसके बारे में आपको टिप जरूर दूंगी। थैंक यू, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता था कि ऐसी शुभ घड़ी बार बार नहीं आया करती। क्या राय है आपकी? मेरी शादी की रात राकेश और शालिनी ने एक शो किया। राकेश को एक शराबी का पार्ट दिया गया था ताकि वो नशे की आड़ में अपनी मोहब्बत का इजहार दिल खोल कर शालिनी से कर सके। राकेश शराब के नशे में पड़ा हुआ है, उसकी महबूबा शालिनी उसको पुलिस से बचाने के लिए आती है, लेकिन नशे में राकेश को शालिनी कभी उमर खयाम की रुबाई तो कभी नूर जहां, कभी जूलियट तो कभी क्लियोपेट्रा नजर आती है। आखिर में पुलिस उसको पकड़ लेती है। तुम कौन हो? तुम कोई जन्नत की हूर हो? पागल आदमी, जल्दी होश में आ, पुलिस आ गई तो बहुत मारेगी, जन्नत मन्नत सब भूल जाएगा। उमर खयाम को कौन मार सकता है? दुनिया का सबसे बड़ा शायर और तुम उसकी रंगीन शायरी। बहारे हुस्न तेरी, मौसम शबाब तेरा, कहाँ से ढूंढ के लाए कोई जवाब तेरा। ये सुबह भी तेरे रुखसार की झलक ही तो है, के नाम लेके निकलता है आफताब तेरा। जहाँ तो है वहाँ पे चांदनी को कौन पूछेगा, जहाँ तो है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा। तेरा दर हो तो जन्नत की गली को कौन पूछेगा, जहाँ तो है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा, जहाँ तो है। उमर खयाम के सगे क्यों लुटिया डुबोने वाला है? अगर पुलिस आ गई तो सीधे जेल जाएंगे। पुलिस जहांगीर का क्या बिगाड़ सकती है? अब्बा हुजूर अकबर आजम से कहकर इन पुलिस वालों की धज्जियां उड़वा दूंगा। मलिक आलम नूरजहां, कली को हाथ में लेकर बहारों को न शर्माना, कली को हाथ में लेकर बहारों को न शर्माना। जमाना तुझको देखेगा, कली को कौन पूछेगा, जहाँ तो है वहाँ फिर चांदनी को कौन। जानती हो मैं कौन हूँ? जानती, मैं दीवानी। क्यों तुम दीवानी?
हर रोमियो दीवाना हुआ करता है मेरी जूलियट। जूलियट? हाँ, जूलियट और मैं रोमियो। तो देखो तुम बालकनी में खड़ी हो और मैं नीचे गा रहा हूँ। फरिश्तों को पता देना ना अपनी रे गुजारों का, फरिश्तों को पता देना ना अपनी रे गुजारों का, वो काफिर हो गए तो बंदगी को कौन पूछेगा। जहाँ तो है वहाँ पे चांदनी को कौन पूछेगा। जहाँ हमें पकड़ लिया याने नीजर और क्लियोपेट्रा को पकड़ लिया। बड़े बदतमीज है रोम वाले। रोम वाले नहीं, हिंदुस्तानी जेल वाले। हिंदुस्तानी जेल वालों ने नीजर और सारी दुनिया की हसीन तरीन औरत क्लियोपेट्रा को पकड़ लिया। किसी को मुस्कुरा के खूबसूरत मौत ना देना, किसी को मुस्कुरा के खूबसूरत मौत ना देना। कसम है जिंदगी की, जिंदगी को कौन पूछेगा। जहाँ तो है वहाँ पे चांदनी को कौन पूछेगा। जहाँ तो है वहाँ पे चांदनी को कौन पूछेगा। तेरा दर हो तो जन्नत की गली को कौन पूछेगा। जहाँ तो है वहाँ पे चांदनी को कौन पूछेगा। जहाँ तो है इनको देखिए, अगर आपके सर में दर्द हो, जेब खाली हो, दोस्तों से तंग आ गए हो तो शादी कीजिए, हरी और आशा की तरह खुशी हासिल कीजिए। शादी शादी शादी। इन लोगों के देखने से तो सच में ऐसे मालूम होता है कि हम लोग बहुत बदनसीब हैं कि अभी तक अकेले ही घूम रहे हैं। आप सब बैठिए, मैं आपके नाश्ते का बंदोबस्त करती हूं। बैठिए। हरी, कल नेटिव डांस आ रही है, तुम्हें फ्लैट छोड़ना होगा। याद कर, एक महीना पूरा हो गया है। समझ लो कि तुम एक पुर्तगाली हो और ये फ्लैट गोवा है और हम हिंदुस्तानी। याद कर हरी, रघुकुल रीत सदा चली आई, फ्लैट जाई और वचन न जाई। हरी, तुम तो जानते ही हो कि हमारा आपस में अग्रीमेंट था कि एक महीने के बाद तुम चेहरे से मेकअप उतार कर आशा को सब कुछ बता दोगे। नकली लाइसेंस पे गाड़ी कब तक चलाओगे दोस्त? हिम्मत से काम लो और आंखें नीची करके आशा को साफ साफ बता दो कि तुम्हारा पति देव एक गरीब इंसान है। क्या पराठे बनाए भाभी जी आपने? आप जैसी अच्छी बीवी मिल जाए तो आदमी की हर मुश्किल आसान हो जाए। रुपया तो हाथ का मैल है, किस्मत का साबुन किसी ना किसी दिन सबके हाथ साफ कर देता है। लेकिन भगवान न करे कि किसी दिन हरी के पास पैसे ना हो, ये फ्लैट ना हो, ये नौकरी ना हो, तो फिर भी आप हरी के प्यार के सहारे अपनी सारी जिंदगी खुशी से गुजार सकती हैं। क्यों भाभी जी, ठीक है ना? आप जैसे अच्छे और अमीर दोस्त हो तो इन्हें क्या तकलीफ हो सकती है। इसलिए तो मैंने इनसे शादी की है, क्योंकि मैं जानती थी कि कभी जरूरत पड़े और इनकी जेब खाली हो तो मैं इनके दोस्तों की जेब में हाथ डाल सकती हूं। बेशक बेशक, जेब तो जी बनाई गई है हाथ डालने के लिए और फिर भाभी जी आपका हाथ। लेकिन मैं ये कहना चाहता था कि मकान गिरवी रखा जा सकता है, गिर सकता है, जलकर खाक हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार अटल है, बिल्कुल अमर है। बिल्कुल। अच्छा तो ये हो कि शादी के शुरू शुरू में पति पत्नी बुरे दिन देख लें, ताकि मुसीबत की भट्टी में इनके प्यार का सोना निखर आए। बुरे दिनों में ही सच्चे प्यार की परख होती है। गरीबी में सच्चा प्यार ऐसा खिलता है, ऐसा खिलता है जैसे दलदल में कमल का फूल। देखिए जी, ये दलदल हमको नहीं चाहिए, हमारे प्यार का फूल इस घर के बगीचे में बड़ा ही अच्छा लगता है। मुझे और हरी को एक दूसरे का प्यार परखने की जरूरत ही नहीं,
हम तो बड़े खुश हैं, क्यों जी? हम बड़े खुश हैं ना? हाँ। दोस्त हो तो ऐसे हो, दोस्त की शादी में 1 लाख रुपए का चेक काट के दे दिया। सच मानिए, मेरे दिल में आप लोगों के लिए कितना प्यार है, कितनी इज्जत है। मैं तो चाहती हूँ मैं आप लोगों की फोटो यहाँ टांगू। हेलो, यहाँ तो बाकायदा पार्टी हो रही है। बस आप ही की कसर थी। खुशखबरी सुनाओ आशा, कल प्रिंस ऋषिकेश पेरिस से आ रहे हैं। कितने बेचैन थे हम सब उनसे मिलने के लिए। सच शालिनी? हाँ, और कल वो अपने शुभ हाथों से भारत उद्धार चैरिटी फेयर का उद्घाटन करेंगे। हेलो मिलियनर। मिलियनर? तो राकेश, मैं आप ही से कह रही थी। ओहो, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं करोड़पति हूँ। आपको भी मेले में आना होगा, इधर आइए। शालिनी जी, मैं भी यही सोच रहा था कि आप जहाँ मिलती है वही हमारा मेला लग जाता है। जिंदगी के मेले इस दुनिया में कम ना होंगे मिस्टर राकेश, अफसोस हम ना होंगे। इसलिए इंसान को चाहिए कि दूसरी दुनिया का भी सोचे और जीते जी इस दुनिया में कुछ अच्छे और नेक काम करे। बिलीव मी मिस्टर राकेश, आपके लिए यही वक्त है कि आप अपनी कैपिटलिस्ट दौलत का कुछ हिस्सा एक बहुत ही अच्छे और नेक काम में खर्च करें। लेकिन मैंने तो कभी बुरे काम में पैसा खर्च किया ही नहीं। आप अमीरों ने गरीबों का इतना पैसा इकट्ठा किया है कि अब हम गरीब आप अमीरों से कुछ पैसा वापस इकट्ठा करना चाहते हैं। मैं भारत उद्धार चैरिटी फेयर की टिकट बेच रही हूँ, इन सब टिकटों का पैसा चैरिटी फंड के लिए है। लेकिन ये भारत का उद्धार करने की आपको क्या जरूरत पड़ गई है? अपनी गवर्नमेंट है इस काम के लिए। मिस्टर राकेश, गवर्नमेंट लोगों को घर दे सकती है, रोटी दाल चावल कपड़ा दे सकती है, स्कूल बना सकती है, अस्पताल बना सकती है और डैम बना सकती है, लेकिन वो लोगों के मन के अंधेरे को दूर नहीं कर सकती, वो उनके चाल चलन नहीं सुधार सकती। आज इस देश के लोग अपने आदर्श भूल चुके हैं, अपनी पुरानी सभ्यता खो चुके हैं। लंदन और पेरिस की हवा एक आंधी बनकर हमारे नौजवानों के पैर उखेड़ने लगी। नतीजा ये मिस्टर राकेश कि 14 साल वनवास में रहने वाली राम की औलाद आज 14 दिन अपने गांव में टिकने के लिए तैयार नहीं। शालिनी देवी, आप हमें गांव भेजना चाहती हैं क्या? जी नहीं, मैं तो आपको सिर्फ 4 टिकट बेचना चाहती हूँ, 700 रुपए के 4 टिकट। इन सब के पैसे आपको कल मेले में मिल जाएंगे। भूलिएगा मत, 400 रुपए। सिर्फ 400 रुपए? 40,000 नए पैसे। देखो कोई दीवाना जा रहा है। जिनके लिए मैं दीवाना बना वो भी कहते हैं दीवाना मुझे। या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा। जिनके लिए मैं दीवाना बना वो भी कहते हैं दीवाना मुझे। मेम साहब सिगरेट। अफसाना चाहते थे अफसाना बन गया, दीवाना चाहते थे दीवाना बन गया। अफसाना चाहते थे अफसाना बन गया, दीवाना चाहते थे दीवाना बन गया। वो तो शमा न बने मर्जी ये उनकी, मैं तो हुजूर देखो परवाना बन गया।
या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, जिनके लिए मैं दीवाना बना वो भी कहते हैं दीवाना मुझे। मुफ्त में नाम खोया दिल भी गवा बैठे, इश्क पूरा हो तेरा रोग लगा बैठे। मुफ्त में नाम खोया दिल भी गवा बैठे, इश्क पूरा हो तेरा रोग लगा बैठे। जाए तो जाए कहाँ कोई ठिकाना नहीं, दुनिया को छोड़ तेरे दर पे आ बैठे। या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, जिनके लिए मैं दीवाना बना वो भी कहते हैं दीवाना मुझे। मेम साहब सलाम। पूछ कभी दीवाने हाल क्या है, आंखें उदास क्यों है, दिल में मलाल क्या है। भूले से पूछ कभी दीवाने हाल क्या है, आंखें उदास क्यों है, दिल में मलाल क्या है। हम तो यही कहेंगे हुस्न की खैर हो, प्यासे दीदार के हैं और सवाल क्या है। या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा, जिनके लिए मैं दीवाना बना वो भी कहते हैं दीवाना मुझे। जिनके लिए मैं दीवाना बना वो भी कहते हैं दीवाना मुझे। या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा या खुदा। आहा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आप लोग जरा इस बात का ख्याल रखिएगा, हमारे प्रिंस ऋषिकेश को खुद नुमाई बिल्कुल पसंद नहीं। वो पब्लिक में बहुत ही कम तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन आप लोगों का यह फर्ज जरूर है कि आप इस देश के भारी नेता की ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें खींचें। थैंक यू थैंक यू। हेलो मिस शालिनी। ओह हेलो मिस्टर राकेश। ये एयरपोर्ट किसे रिसीव करने के लिए आई है? एक दोस्त को। और आप? एक दोस्त को। लेकिन मेरा दोस्त देश की पुरानी सभ्यता का मुहाफिज है। इत्तेफाक से मेरा दोस्त भी। मेरा दोस्त बहुत ही खूबसूरत लड़का है। मेरी दोस्त भी बड़ी खूबसूरत लड़की है। मेरे दोस्त का धर्म है सारी दुनिया में सच्ची खुशी फैलाना। मेरी दोस्त को देखकर धर्म कर्म सब भूल जाते हैं, तबीयत खुश हो जाती है। मेरे दोस्त का उसूल है कि अपनी सब चीजें लोगों में बांट दो, चाहे घर में आग लगी रहे। मेरी दोस्त का ये उसूल है कि मुस्कुराकर बिजलियां गिराती रहे। अच्छा, तो फिर ये मालूम होता है कि इस हवाई जहाज में सगे भाई बहन आ रहे हैं। हो सकता है। ओह बाय द वे, मेरे 400 रुपए। ओह हाजिर हैं। थैंक यू थैंक यू। मिस शालिनी, प्रिंस ऋषिकेश का जहाज आ गया। आप हैं मिस्टर राकेश और ये मेरे दोस्त प्रिंस ऋषिकेश। और सच पूछिए तो हमारे देश की पुरानी सभ्यता सिर्फ इन्हीं के दम से जिंदा है। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। मुझे भी। मेरी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि इस पाप की दौलत में आप उतना ही कमाइए जितनी आपको जरूरत है, चाहे आपको कैसी तकलीफों का मुकाबला करना पड़े।
हिम्मत मत हारिए, गरीब रहकर एक दिन का फागा करना बुरी कमाई से हजार दर्जे बेहतर है। परवाह मत कीजिए, एक दिन गरीब ही इस तमाम जमीन के मालिक होंगे। शालिनी, यूरोप में एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वहां की हसीन वादियां और रंगीन नजारे तुम्हारे हुस्न में चार चांद लगा देंगे। तुम लंदन जाओगी, वेनिस की पानी भरी गलियों में तुम कश्ती में सैर करती हुई खुशी के नगमे गाती फिरोगी। स्विट्जरलैंड की बर्फीली पहाड़ियों पर आइस स्केटिंग करोगी, हवा में चलने वाले झूले की सैर करोगी। रोम जाओगी, एफिल टावर से दुनिया का सबसे हसीन शहर पेरिस देखोगी। शालिनी, मुझे हैरत है, मैंने यूरोप की रंगीन फजाओं और वहां की दिलकश जिंदगी का तुमसे बार बार जिक्र किया, मगर एक तुम हो जैसे कोई भारी बाहर में किसी कली ने मुचाने की कसम खा ली हो। शालिनी, आखिर बात क्या है, तुम्हें हो क्या गया है? क्या मेरी जिंदगी तुम्हारी मोहब्बत से महरूम ही रहेगी? जी जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ। बस इज्जत और कुछ नहीं। और ये कि आपका एहसान मानती हूँ, मेरा खानदान वो 20,000 रुपए कभी नहीं भुला सकेगा, और फिर आप तो हमेशा मुझ पर मेहरबान ही रहे हैं। कौन मेहरबान रहा है, कैसी मेहरबानी? शालिनी, मैं कोई भगवान नहीं, मैं एक इंसान हूँ, सिर्फ एक इंसान। वो 20,000 रुपए मैंने तुम्हारे पिताजी को सिर्फ मोहब्बत का नजराना समझ कर दिए थे, सिर्फ मोहब्बत का नजराना। शालिनी, अगर तुम अब भी जाओ तो मैं दुनिया की तमाम दौलत तुम पर निछावर कर सकता हूँ। आपने अभी तक चाय भी नहीं पी है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। ये आज अपने चैरिटी फेट का प्रोग्राम आपने मुलाहदा फरमाया, 10 टिकट आपके अकाउंट में अभी खरीद कर आ रहा हूँ। आपकी कसम, बड़ी रौनक रहेगी। कैसी रौनक? रौनक, वाह वाह, सारे पेपर वाले क्या मजे लेकर लिख रहे हैं कि नौजवानों दौड़ो, रन, जमाना चाल कयामत की चल गया, आओ आओ कव्वाली के मैदान में लड़के लड़कियों का नाच देखो, शराब। हेलो शालिनी, आज का अखबार पढ़ा तुमने? क्या कहा? तुमने इजाजत दी है? शालिनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कव्वाली, नाच, गाने और हमारे चैरिटी फेट का प्रोग्राम, जब हम खुद ऐसी गिरी हुई हरकतें करेंगे तो जमाने को क्या आदर्श सिखाएंगे? प्लीज स्टॉप इट, प्लीज, ऐसी कोई चीज हमारे चैरिटी फेट में नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। बट व्हाई? बट व्हाई? शट अप, शट अप। ओ बट व्हाई? पूरी चीज है, नहीं हो सकती, हमने वो आइटम कैंसिल कर दिया है। हम आए थे और वो भी शर्म करो। मेरी बात है, फायर ब्रिगेड को खबर कर दीजिए, क्योंकि इनके तेवर देखकर मालूम हो रही है आग जरूर लगाने वाले हैं। लगाने दीजिए, प्रिंस के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि कव्वाली हरगिज नहीं हो सकती। समझ में नहीं आता कि आपके प्रिंस ने इतने सख्त ऑर्डर्स किस तरह दे दिए। चैरिटी फंड और अच्छे कामों के लिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर तक क्रिकेट खेले थे। इसका ये मतलब थोड़ा ही हुआ कि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बन गए और इंडियन टीम में सेलेक्ट करके वो वेस्ट इंडीज भेज दिए जाएंगे खेलने के लिए। कव्वाली शुरू करें तो आग लगाते। जल्दी फैसला कर लीजिए, हुकूमत तो कव्वाली शुरू करवा दूं, हुकूमत तो आग लगवा दूं। लेकिन प्रिंस, अगर आग लग गई और 10-20 आदमी जलकर मर गए तो आपके चहेते प्रिंस 14 साल जेल यात्रा जाएंगे और हम इमली के दरख्त के नीचे गाते फिरेंगे, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, मतलब आपके चहेते प्रिंस से। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, आजकल फूल भी दिल वाले हुआ करते हैं, कोई कदमों से लिपट बैठा तो फिर
तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। आजकल कलियां बड़ी शोख हुआ करती है, कोई शोखे पे उतर आई तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो, तुम कभी जुल्फ को चेहरे पे गिराया न करो। बाज दिल वाले भी कमजोर हुआ करते हैं, कोई नागिन जो समझ बैठा तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। महफिले हुस्न के चिलमन को उठाया न करो, महफिले हुस्न के चिलमन को उठाया न करो। बिजलियां काली घटाओं में छुपी होती है, कोई चुपके से चमक जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। तुम कभी आँख में काजल भी लगाया न करो, तुम कभी आँख में काजल भी लगाया न करो। इन्हीं आँखों के दरीचों में तो हम बसते हैं, साथ काजल के जो बह निकले तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। हाय हाय हुस्न वालों के मुकाबिल कभी आया न करो, हुस्न वालों के मुकाबिल कभी आया न करो। शरबती आँखों के डोरों में नशा होता है, बिन पिए ही जो बहक जाओ तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। शालिनी, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी शरीफ लड़की इस बदमाश राकेश के कहने में आकर ऐसी गिरी हुई हरकतें करोगी। मुझे अफसोस है ऋषिकेश। मुझे खुशी है कि भगवान ने तुम्हारे पाप की सजा मुझे दे दी, नहीं तो न जाने मेरे दिल को कितनी तकलीफ पहुंचती। शालिनी, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हें कितना ऊंचा, कितना पवित्र और कितना पाक देखना चाहता हूं। अब उस गुंडे राकेश से कभी न मिलना। बुजुर्गों ने सच कहा है कि बुरों की सोबत से हमेशा बचते रहो। मैं बचने की कोशिश तो बहुत करती हूँ ऋषिकेश, मगर वो अरे मियाँ, तुम तो यहाँ ऐसे बैठे जैसे यही रहते हो, ये अपना बिजनेस का फ्लैट है, कोई तुम्हारा ससुराल नहीं। बैठिए बैठिए बैठिए। अरे ये बदतमीज औरत कौन थी जो कि अभी यहाँ से फटफटी की तरह गई? सेठ जी, असल में वो फटफटी नहीं, वो एक जर्नलिस्ट थी। हम लोगों ने उसे ये नेटिव डांसर के साथ इंटरव्यू करने के लिए बुलाया। अच्छा, तो उस पेपर वाले को बोल दो कि अपने एक अखबार में लिख दे कि नेटिव डांसर सब डांसरों के खोखा उड़ा दे। बिल्कुल लिखवा दूंगा, आप घबराइए। आगे
तो बुलाइए ना अपने वो करिश्की मैम को, कुछ हम भी तो देखें। सेठ जी वो कपड़े बदलने गई है। अजी क्या जरूरत है उस बात की, बस कह दो आ जाए मैदान में और कुछ रिहर्सल विहर्सल दिखाए। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर। अपने को ज्यादा नहीं 30-40 हजार रुपया कमाने के इस धंधे में से, उससे दो बच्चा खरीदेंगे। बच्चा? हमारा मतलब है घोड़े का बच्चा। ओ घोड़े का बच्चा। डर भी जितने का है, सबका खोखा उठा दूंगा। सेठ जी इतना पैसा आएगा कि आप चाहे तो हाथी खरीद कर हाथियों के रेस का शौक फरमा सकते। बिल्कुल सेठ जी। बस बस ये हमारे लिए डांसर नहीं, लक्ष्मी है लक्ष्मी। कैसी रही? अरे ये तो सबका खोखा उड़ा देगी। लड़की है। लड़की है, लड़की है। मजा नहीं मजा क्यों? अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम शो में क्या पेश करेंगे। हमारे पास सात डिफरेंट डिफरेंट कलर का खोखा है। अजी अपने को कोई फैशन परेड थोड़ी ही करनी है। नहीं नहीं नहीं। I'll have 7 robes and take one off at a time and put them in the fire. कोई फिकर की बात नहीं, अपनी तो घर की फैक्ट्री है कपड़ों की। सारी उन सेठ जी आपने अपने पैसों से लोगों के कपड़े पहनवाए, अब अपने पैसों से लोगों के कपड़े उतरते हुए देखिए। राम राम, मेरी घरवाली को पता चल गया तो वो क्या कहेगी, मेरा तो खोखा ही उड़ा देगी। इस शो का नाम रखे तितली और जंगली। शो में एक हट्टा कट्टा नौजवान छाती खोल कर नाचे और एक उछलती कुत्ती तितली जैसी लड़की को पकड़कर उसके कपड़े खींचने की कोशिश करे और जबरदस्ती उसके साथ डांस करे। A very good idea, फिर drunkly तुम बानो। मैं? जी नहीं, not me. Of all the boys here, you've got the best build. Strong muscles, handsome face, you'll be very good on stage. Oh no, not me. अगर राकेश नहीं मानता तो हम तैयार है ये रोल करने के लिए, हम आ जाएंगे स्टेज पर। आप संभालिए अपने आप को सेठ जी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं सेठ जी? मैं जाऊं? शाबाश शाबाश, याद रखो लड़को पैसा कोई दरख्तों पर नहीं उगता है। बिल्कुल ठीक कहते हैं सेठ जी, बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन पैसा इस दरख्त पर उगता है। राकेश के साथ डिनर पे जा रही हूँ। जी हाँ, वो बाहर बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मगर मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ, देखिए ना इतने बड़े आदमी हैं फिर भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, वहाँ बाहर बैठे हुए हैं। 2 रुपए का सूप, 1 रुपए का ब्रेड एंड बटर, 4 रुपए का पुलाव, 5 रुपए का चिकन, इतने पैसे में कैसे होगा? अच्छा मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, कह दूंगा कि गला खराब है। मेम साहब तो चली गई। चली गई? कब, कैसे? आती है अभी प्रिंस के साथ। प्रिंस? कमाल हो गई यार, शो का टाइम हो गया और तुम अभी तक यूं ही बैठे हो, बताओ। शालिनी को मैं अपनी जिंदगी का सारा समझ बैठा था, वो मेरी आंखों के सामने प्रिंस ऋषिकेश को सहारा बनाया मोटर में घूम रही थी। और तुम हिम्मत हार बैठे? मोहब्बत में गरीबी और अमीरी का फर्क नहीं होता मेरे दोस्त, इसके लिए तो लोगों ने तख्त ताज छोड़ दिए। क्या शालिनी तुम्हारे लिए एक प्रिंस को ना छोड़ सकेगी? अरे एक बार मोहब्बत का इजहार तो करके देखो। हेलो हेलो हेलो, क्या मैं प्रिंस ऋषिकेश से बात कर सकता हूँ? ओहो आधा वर्ज है हुजूर, नमस्ते सरकार। मैं अर्ज कर रहा था कि पेरिस से एक भीमसाब आई हुई है, एक डांस नंबर पेश होने वाला है जिसका नाम है जंगली और तितली। चूंकि आप देश की सभ्यता के सेवक हैं इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप आए, जरूर आइएगा। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम लोग ऐसे गंदे डांस इस देश में भी करवा रहे हो। आप तशरीफ तो लाइए, मुलाहजा फरमाइए, ना पसंद आया तो बंद करवा दीजिएगा, मालूम हो जाएगा आप देश के कितने सच्चे या झूठे पुजारी हैं। जरूर बंद करवा दूंगा। इस नाचीज का नाम राकेश है। नाचीज या बदतमीज?
अब देखना तमाशा, जरा प्रिंस को अपना पोस्टर भिजवा देना, वो शालिनी पर रोक जमाने के लिए उसको अपने साथ जरूर ले आएगा। हाइनेस, गुड न्यूज, हमारा भारत वर्ष मॉडर्न हो गया है, ये देखिए, वही वाह, क्या पोस्टर है। दिलबर दिलबर ओ दिलबर भैया हबी ओ दिलबर तेरा शबाब उफ उफ आंखें शराब उफ उफ तेरा शबाब उफ उफ आंखें शराब उफ उफ दीवाना तेरा हूँ एक जाम पिला दे। दिलबर दिलबर ओ दिलबर भैया हबी ओ दिलबर 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 हुस्नो जमाल है तौबा मस्ताना चाल है तौबा जुल्फों के जाल है तौबा आंखों के डोरे ये गुलाबी जिनसे बाहर है शराबी क्यों ना दिलों की हो खराबी। दिलबर दिलबर ओ दिलबर भैया हबी ओ दिलबर तेरा शबाब उफ उफ आंखें शराब उफ उफ दीवाना तेरा हूँ एक जाऊं पिला दे। दिलबर दिलबर ओ दिलबर भैया हबी ओ दिलबर 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 दिल का करार तेरे दम से आंखें ना फेर ऐसे हमसे आजा बाहों में मेरी छम से फूलों में तुझे मैं बिठा दूं चांद सितारे तुझे ला दूं सुरों की मलिका बना दूं। दिलबर दिलबर ओ दिलबर भैया हबी ओ दिलबर तेरा शबाब उफ उफ आंखें शराब उफ उफ दीवाना तेरा हूँ एक जाम पिला दे। दिलबर दिलबर ओ दिलबर भैया हबी ओ दिलबर 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 मेरी तू ना जाना दिल तो है प्यार का खजाना जिसको है तुझ पे लुटाना अल्लाह का नाम जरा ले ले हंस के सलाम जरा ले ले प्यार से काम जरा ले ले। दिलबर दिलबर ओ दिलबर भैया हबी ओ दिलबर तेरा शबाब उफ उफ आंखें शराब उफ उफ ओ तेरा शबाब उफ उफ आंखें शराब उफ उफ
दीवाना तेरा हूँ एक जाऊं पिला दे दिलबर दिलबर ओ दिलबर भैया हबी ओ दिलबर 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 सज्जनों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये कहूंगा कि मेरी आंखें शर्म से झुक गई है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। आखिर किस मुंह से कहें कि हम हिंदुस्तानी हैं? मैंने तमाम दुनिया की हालत बिगड़ती हुई तबाह होती हुई अपनी आंखों से देखी है। सिर्फ एक देश रह गया जिस पर हमें नाज है और वह हमारा देश, हमारा कल्चर। ए लू, बैठ जा, हम तेरी शक्ल नहीं देखना चाहते। हमने ये फटी हुई आवाज सुनने के लिए अपने पैसे खर्च नहीं किए। यहाँ लोग सिर्फ नाच और गाना सुनने के लिए आते हैं, लेक्चर सुनने के लिए नहीं। पढ़े लिखे और शरीफ आदमी की जिल्लत हमारी जिल्लत है। ये लड़की है क्या स्पीच दे रही है? निकलो, आओ। मैनेजर, मैनेजर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये अपने हिंदुस्तानी संविधान के खिलाफ है। निकलो, निकलो। मैनेजर, ऐसा नहीं कर सकते आप, ये बहुत बुरी बात है। मैं ऐसे आदमी की मदद नहीं करना चाहता जिसने हमारे चैरिटी फेयर को बदनाम कर दिया हो। शालिनी, हमारे इस कुसुम में गुंडों के साथ देखा जाना भी बड़े शर्म की बात है। आओ चलो। चोट खाया हुआ तो कभी ना कभी होश में आ ही जाता है, लेकिन दिल की चोट खाया हुआ फिर कभी होश में नहीं आता। शुक्रिया। ये लीजिए, शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए, वरना आपको क्या जरूरत थी मेरी जान बचाने की? वो लोग मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल रहे थे, लेकिन आप बीच में क्यों कूद पड़े? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब नहीं दिया जाता, कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो बिना कहे सुने अदा कर दिए जाते हैं। जानती हो क्यों? क्यों? इसलिए कि जिस सिपाही के जिस्म पर जख्म ना हो वो सिपाही नहीं कहलाता। जो अपनी लैला के खातिर अपना बदन छलनी ना करवा ले उसे मजनू कौन कहेगा? सच राकेश, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। आज तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना ही होगा, वरना मैं जाने न दूंगी। ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी कौन होती हूँ? आखिर मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी है जो मुझ पर इतने एहसान कर रहे हो? बताओ, जवाब दो ना राकेश। जवाब अपने दिल से पूछो। बार बार पूछा और उसने यही कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो तो एक करोड़पति है और तुम एक मामूली वर्किंग गर्ल। बस तुम्हारे दिल ने इतना ही कहा? दिल ने ये भी कहा, कुछ तो बात है कि फासले कम होते चले गए, दो राही हम कदम होते चले गए। और क्या कहा तुम्हारे दिल ने?
और कहा कि चाहे वो करोड़पति है, उसने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम दोनों के बीच एक सोने की दीवार खड़ी है। मगर मगर मेरे दिल ने यह भी कहा कि शालिनी, एक नेक दिल इंसान के एहसानों को मोहब्बत न समझ बैठना। बस बस, यही तुम्हारा दिल धोखा खा गया। बहुत बड़ी गलती कर गया तुम्हारा दिल जो मोहब्बत को एहसान समझ बैठा। नहीं राकेश। हाँ शालिनी हाँ, सच तो यह है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी कभी किसी ने किसी से नहीं की। मैं भी इतनी ही मोहब्बत करना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को पहचान नहीं सकती। क्या मैं इतनी मोहब्बत कर सकूंगी राकेश? तुम्हारा दिल क्या कहता है? जिंदगी की मजबूरियों ने कभी ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि मोहब्बत क्या होती है। मोहब्बत वो आंसू है जो तब तक आंख में नहीं आता जब तक कोई अपने महबूब से जुदा ना हो जाए। मोहब्बत वो खजाना है जो जब तक लुटता नहीं बढ़ता नहीं। सच? मेरी बात मान लो शालिनी, सिर्फ 24 घंटे के लिए ये खजाना लुटा कर देखो। एक दिन के लिए झूठ मूठ ही समझ लो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। फिर क्या होगा राकेश? शायद ये फर्जी प्यार सच्चे प्यार में बदल जाए। तो फिर तुम्हारे सामने एक मोम की पुतली खड़ी है, जिस सांचे में ढालोगे ढल जाएगी, जिधर ले चलोगे चली जाएगी। जब से बनी है ये दुनिया, प्यार सनम है प्यार खुदा। जब से बनी है ये दुनिया, प्यार सनम है प्यार खुदा। आओ प्यार करें, प्यार करें, आओ प्यार करें। आओ प्यार करें, प्यार करें, आओ प्यार करें। दिल ही नहीं जो ना हो बेकरार, आंख वो क्या जिसमें नहीं किसी का इंतजार। वो दिल ही नहीं जो ना हो बेकरार, आंख वो क्या जिसमें नहीं किसी का इंतजार। कितनी भी हो ये दुनिया हसी, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। आओ प्यार करें, प्यार करें, आओ प्यार करें। आओ प्यार करें, प्यार करें, आओ प्यार करें। के हर गम की प्यार ही है दवा, क्यों न रहे दिल में सदा प्यार ही का नशा। दुनिया के हर गम की प्यार ही है दवा, क्यों न रहे दिल में सदा प्यार ही का नशा। अपना I'm ready.
गगन चलता रहे कारवां। सोच ये क्यों फिक्र ये क्यों मंजिले हैं कहां। प्यार की धुन में मगन चलता रहे कारवां। सोच ये क्यों फिक्र ये क्यों मंजिले हैं कहां। प्यार की सुबह हो शाम नहीं इसका कोई लेडी। गुड मॉर्निंग। कैसे मिजाज हैं? बहुत अच्छे। सुना है आजकल आप उस गुंडे राकेश के साथ बहुत देखी जा रही हैं। क्या? आखिर कब तक जुबान को बंद रखूं? आप मेरे प्रिंस की मंगेतर हैं। तो फिर क्या हुआ? बहुत खूब मंगेतर एक की घूमिए दूसरे के साथ यहाँ गर्दनें कट जाती हैं इसी बात पर। प्लीज गेट आउट। ओके देखिए मेरे प्रिंस के आप पर बहुत एहसान है। उन्होंने आपके खानदान पर तरस खाकर आपको 20,000 रुपए कर्ज दिए थे। तकिया 20,000 रुपए कर्ज लिए तो आप मुझे तकिया मारती हैं। कहीं लाख दो लाख लेती आप तो गोली मार देते मेरे प्रिंस को। माय पुअर अली बाबा आई विल रिपोर्ट टू हिम। जो मुझे अपना मंगेतर बनाकर मेरी मासूमियत और मजबूरी का फायदा उठाया, मुझे जवानी में मोहब्बत से अलग कर दिया, अपनी कठपुतली बनाकर वो सब कहने पर वो सब सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसमें एक जवान लड़की की जवानी नहीं बल्कि एक गरीब लड़की की गुर्बत झलक रही थी, क्या ये सब धोखा नहीं था, जुल्म नहीं था? जुल्म तो अब होगा शालिनी, अगर तुम अभी अपनी जिद से बाज ना आई। खैर अगर तुम्हें मंजूर है कि तुम्हारे बाप का बुढ़ापा जेल की कोठरी में गुजरे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे खानदान के लोग तुम्हारा नाम सुनकर नफरत से मुंह मोड़ लें, तो जाओ, मुझे कोई एतराज नहीं। प्यार करना चाहती हो करो, इश्क लड़ाना चाहती हो लड़ाओ, लेकिन इसे कीमत दिए बगैर नहीं। एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे मेरे 20,000 रुपए मिल जाने चाहिए, क्योंकि मैं और ज्यादा बेवकूफ नहीं बनना चाहता। शालिनी जिस दिन ये फ्लैट छोड़कर 150 रुपए की नौकरी में अपना और अपने घर वालों का गुजारा करना पड़ा, उस दिन ये शीरें और लैला के ख्वाब ख्वाब ही रह जाएंगे, और तब तुम्हें मेरी याद आएगी। लेकिन तब तक वक्त बहुत बदल चुका होगा। राकेश तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे अभी मिलना है। ड्राइवर बिगड़ गई मैम साहब, अब नहीं चले। राकेश, राकेश। हेलो मिस शालिनी,
ओ राकेश, अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो सुना था कि जरूरत पड़ने पर मौत और दोस्त दोनों कभी नहीं आया करते। शालिनी याद करे और राकेश ना आए, ये कभी नहीं हो सकता। दिल की बात दिल तक पहुंच ही जाती है। मुझे आज तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं भी बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन दिल ने जुर्रत न की, जबान ने गवारा न किया और होठों ने हिलने से इनकार कर दिया। इसीलिए आज मैं ये खत लाया हूं। मेरे जाने के बाद पढ़ लेना। मेरा बटवा किसी ने निकाल लिया। उसमें कुछ रुपए तो नहीं थे? बस वो खत और 15 और 20। बस 15-20 रुपए? जी नहीं, मेरा मतलब है 15-20 हजार। काश वो बटवा मेरे हाथ पड़ जाता, तुम्हारा खत भी पढ़ लेती और 20 हजार रुपए भी मिल जाते। तुम 20 हजार रुपए लेकर क्या करती? प्रिंस ऋषिकेश को देती और कहती, ये लो, ये रहे तुम्हारे 20 हजार रुपए जो तुमने मेरे डैडी को दिए थे, टेक देम एंड गेट आउट। राकेश मुझे 20 हजार रुपए दे दो। 20 हजार? हाँ राकेश, मुझे उधार दे दो, मैं लौटा दूंगी। लेकिन शालिनी, 20 हजार रुपए? राकेश ना मत करना, समझ लेना एक और बटवा खो गया है। लेकिन मेरे पास 20 हजार रुपए नहीं है शालिनी। नहीं है? ओह नहीं है, बस एक ही बटवा था और वो भी मुझ तक न पहुंच सका। शालिनी मैं सच कहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन 20 हजार रुपए नहीं दे सकते। रुपए इंसान को बहुत प्यारे होते हैं ना। इस दुनिया में तुमसे ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं है शालिनी। तुम्हारे लिए जान हाजिर है, लेकिन मैं करोड़पति नहीं, एक गरीब आदमी हूं। तुम मुझे झूठा मक्कार धोखेबाज कुछ भी समझो, लेकिन मैंने ये झूठ बोला था तुम्हारे प्यार के लिए। डरता था कि कहीं सच बोल के तुम्हें हमेशा के लिए खोना बैठूं। मुझ पर यकीन करो शालिनी, मैं 20 हजार रुपए कहां से लाऊं? एक रेत के घरौंदे को मैं मोहब्बत का महल समझ बैठी थी, जो सिर्फ 20 हजार रुपए के वजन से दब गया है। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं शालिनी कि अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं अभी अभी तुम्हें तो अभी चेक काट कर मेरे मुंह पर मारते, है ना? और राकेश, क्यों अभी ये मोहब्बत का ढोंग रचा रहे हो? एक गरीब लड़की को बेवकूफ बनाने के लिए खत लिखना तो आसान है, चेक लिखना मुश्किल। कह दो कि मैंने अपनी मोहब्बत की कीमत का अंदाजा गलत लगाया था। मेरी कीमत तो सिर्फ 400 रुपए थी, जो एक बार चैरिटी शो के टिकट खरीद कर तुम अदा कर चुके हो। 20 हजार में तो न जाने मुझे ऐसी कितनी हसीन लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें। शालिनी, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, ऐसा मत कहो, मुझ पर एक बार और यकीन कर लो। यकीन और प्यार सिर्फ एक ही बार किया जाता है। आज मैंने अपने प्यार को नीलाम करना चाहा, लेकिन मेरे महबूब ने 20 हजार रुपए की बोली भी न दी। कितने ख्वाब टूटते देखे मैंने। बचपन में भगवान ने माँ का प्यार छीन लिया, बाप की बीमारी ने तालीम भी पूरी न होने दी, और जिस उम्र में लड़कियां गुड़ियों से खेला करती हैं, उस उम्र में मुझे रोटी कमाने की फिक्र होने लगी। लेकिन इसमें तुम्हारा क्या दोष राकेश? बदनसीबों को तो मोहब्बत भी रास नहीं आती। अब चले जाओ राकेश, भगवान के लिए चले जाओ। शालिनी, शालिनी सुनो तो सही, शालिनी मुझे 20 हजार रुपए चाहिए अभी, इसी वक्त। भाई राकेश, आज तक तुम्हारे मुंह से इतनी बड़ी रकम का नाम नहीं सुना है। अगर रुपए किसी दरज पर लटकते हो तो मुझे बता दो, मैं जाकर तोड़ लाता हूँ। लेकिन फिर भी 20 हजार रुपए तोड़ने में वक्त लगता है। मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ। भाई मजाक न समझो तो मैं एक बात कहूँ, किसी इंसान को इतने रुपए मिलते तो मैंने सुना नहीं। हाँ, हमारे रेस कोर्स पर अगर किसी घोड़े की टांग टूट जाए तो उसे इंश्योरेंस से 20 हजार रुपए जरूर मिल जाते हैं। थैंक यू मैक, आई गॉट इट, 20 हजार रुपए मिल गए। ये इंश्योरेंस, जिसे बीमा भी कहा जाता है, हमारे जमाने का सबसे बड़ा जादू है, जिसने इंसानी जिंदगी को न सिर्फ जिंदगी ही में कीमती बनाया है, बल्कि मरने के बाद और ज्यादा कीमती बना दिया। आप चाहे जिंदगी में कुछ भी ना कमाएं, मगर मरने के बाद अगर आपका बीमा है तो आप हजारों और लाखों कमा सकते हैं।
कि मरने के बाद रुपया क्या होगा? सुना है तुमको कि मरने के बाद क्या होगा? पुलाव खाएंगे, अहबाब फातिहा होगा। जी इत्तेफाक से, आई मीन बाय एक्सीडेंट, अगर मेरी टांग टूट जाए तो क्या मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे? बेशक। और अगर मेरा हाथ टूट जाए तो? 20,000। और अगर मैं मर जाऊं तो? तब भी 20,000। वंडरफुल। जो इंसानी जिंदगी की कीमत है वही है टूटे हुए हाथ, टूटे हुए पांव। लेकिन साहब, हम तो आपकी सलामती की सुबह शाम दुआएं करते हैं। जी इसके लिए तो मस्जिद मंदिर और गिरजाओं की घाटियां फ्री बसती रहती है। खैर हरी, मेरा पैर टूटने का पहला प्रीमियम 200 रुपए तुम दे मरो। आहा, क्या दिन है, क्या रुत है। मालूम होता है आज का दिन सचमुच टांग ही तोड़ने के लिए बनाया गया है। फिर इस बहती गंगा में टांग ढोले। तैयार हो जाओ यार, मोटर आ रही है, आओ। ये क्या कर रहे हो? खून बंद करने की तैयारी। खून? कैसा खून, किसका खून? राकेश, जब तेरी टांग वांग टूटेगी तो क्या पानी बहेगा? हैं? ओ, चलो 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 आगे प्लीज। मैंने सोचा कि लंगड़ा हो जाने के बाद शालिनी ने मोहब्बत करना छोड़ दिया तो। सच्ची मोहब्बत टांग से नहीं दिल से होती है। शालिनी चीख उठेगी, यार तेरी टांग लकड़ी की सही, दिल तो सोने का है। राकेश, तेरा नाम लॉर्ड्स की तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। याद कर, रोमियो, मजनू, फरहाद। यार ये सब मोहब्बत के अंधे जरूर थे, लेकिन मैंने तो नहीं सुना कि इनमें से कोई लंगड़ा भी था। राकेश, तुझे अपनी सड़ी हुई टांग, सर से पैर तक खूबसूरत शालिनी से ज्यादा अजीज है। कौन कहता है, तो फिर चुन ले। एक तरफ तेरी ये सड़ी हुई टांग है और दूसरी तरफ शालिनी। शालिनी, गुड लक। अरे मजा तो जब है कि टांग किसी बड़ी अमेरिकन कार से टूटे जिसे कोई करोड़पति चला रहा हो, फिर दिल भी सोने का और टांग भी सोने की। तो वो देख राकेश, भगवान ने तेरी सुन ली। ऑल द बेस्ट। 25 साल के बाद भगवान ने क्या ताक के दुआ कबूल किया। Thank you.
यार मैं सच कहता हूँ कि मैंने बुजदिली नहीं दिखाई। इतनी बड़ी मोटर ऐसे मुंह खोले हुए आ रही थी कि मैंने सोचा टांग तो टांग, शालिनी के लिए मेरे जिस्म का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहेगा। इसीलिए तो कहता चला रहा हूँ कि ट्रेन बेहतरीन है, ट्रेन टांग पटरी पर रख दो बराबर काटती हुई चली जाएगी। मैंने पता लगा लिया है, राकेश करोड़पति नहीं है, इधर रोडपति। वो सारा दिन घोड़बंदर रोड पर चक्कर लगाता रहता है और अपनी एक टांग तोड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि वो लंगड़ा होकर भिंडी बाजार में भीख मांग सके। वेरी गुड बिजनेस माय लॉर्ड, क्या मैं भी शुरू कर सकता हूँ? ओह आई एम सॉरी, नो नो। अच्छा, और आपको मालूम है वो दिन में एक दुकान पर नौकरी करता है एज ए सेल्समैन एंड ही इज गेटिंग ए वेरी ऑर्डिनरी तनख्वाह, सिर्फ 125 रुपए महीना, जिसमें से 25 रुपए तो कट जाते हैं कैंटीन में खाना खाने के लिए। माय लॉर्ड, ही इज नॉट ए करोड़पति, ही इज अ कड़कापति। करोड़पति? हां शालिनी, शालिनी, शालिनी जी, तुम अंधेरे में क्या कर रही हो? बाहर आओ। क्या बात है? मुझे तुमसे राकेश के बारे में कुछ खास बात करना है। लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। क्यों? क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया है? हाँ। कि वो कितना बड़ा झूठा और फरेबी है? मुझे आपसे एक राय लेनी है। हाँ हाँ कहो। मैं यहाँ की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। बहुत गौर करने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस माहौल से मैं थक चुकी हूँ। जी चाहता है यहाँ से दूर, कहीं बहुत दूर चली जाऊँ। मुझे ताज्जुब है कि तुमने आज एकाएक चलने का फैसला कर लिया, लेकिन उसमें ताज्जुब की क्या बात है? हिंदुस्तानी लड़की का दिल घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। हंसी की बात नहीं है प्रिंस ऋषिकेश, आप सच मानिए मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के यहाँ से चले जाने का फैसला किया है। इसमें सोचने की क्या बात है? मैंने यूरोप जाने के लिए तुम्हारा पासपोर्ट बहुत दिनों से बनवा रखा है, सिर्फ तुम्हारे हाँ कहने की देर थी। यूरोप एक ऐसी जगह है जहाँ यहाँ की कोई बुराई नहीं पहुंच सकती, यहाँ तक कि मिस्टर राकेश की भी ताकत के बाहर है कि वो वहां पहुंच जाए। मैं यूरोप जाऊंगी। वेरी गुड, चलो आज कल परसों जब तुम्हारा दिल जाए। मैं अभी तैयारी करती हूँ। मुझे मालूम था तुम्हें एक न एक दिन अच्छाई और बुराई का पता चल जाएगा। मेरे प्यारे बेवफा राकेश, तुमने जो मुझ पर जुल्म किया है उसकी शिकायत मुझे तुमसे नहीं बल्कि अपने आप से है। राकेश तुम हमेशा खुश रहो, तुमने एक मासूम दिल को बेदर्दी से कुचल दिया है। अगर मैं जिंदा रही तो किस तरह अपनी जिंदगी बसर करूंगी ये मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। मैं कल प्रिंस ऋषिकेश के साथ यूरोप जा रही हूँ। आखिरी बार तुमसे सिर्फ एक विनती करती हूँ, इस बेदर्दी से किसी और भोली भाली जिंदगी को बर्बाद न कर देना राकेश। तुम्हारी शुक्रगुजार शालिनी।
अभी से इतने दुखी हो कि अपनी खबर तक नहीं, अभी तो और भी दुख आने वाले हैं। शालिनी, 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 मेरे प्यारे बेवफा राकेश, तुमने जो मुझ पर जुल्म किया है उसकी शिकायत मुझे तुमसे नहीं बल्कि अपने आप से है। नहीं शालिनी, नहीं। दास्तान सुनकर दिल भर आता है मिस शालिनी, जिंदगी फूल भी है और कांटा भी, जन्नत भी है और जहन्नम भी। मुश्किलों का सामना करते करते जिंदगी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। और अब तो तुम्हारी सेहत काफी अच्छी है, मैं भगवान से तुम्हारी सफलता चाहती हूँ। राकेश के इलाज में कोई देर हो गई तो मुझे डर है कि वो प्रिंस ऋषिकेश की शालिनी से जबरदस्ती शादी न कर ले। नहीं असलम, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैं किसके लिए जिंदा रहूंगा? इस मनहूस खबर सुनने से पहले मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। राकेश, 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 बेहोशी में भी तुम्हारी जबान पर उसी का नाम रहता है। मुझे आज पता चला तुम कितना हसीन फरेब हो। क्या आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? जब आंख खुल जाए तभी सवेरा जानो शालिनी, तुम सिर्फ ये जाती थी ना कि मेरे खर्च यूरोप की सैर करो, मेरे जज्बात से खेलो, अपने मक्कार दिल का इलाज करवाओ और उस आवारा मिजाज आशिक उस बदमाश राकेश से ब्याह रचाओ। लेकिन आपके पास इस इल्जाम का क्या सबूत है? मैं पूछ रहा हूं तुम्हारे पास क्या जवाब है? अगर तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ है तो मुझे उसका सबूत चाहिए और तुम्हें सबूत देना होगा शालिनी। आखिर आपको क्या सबूत चाहिए? तुम चाहती हो ना मैं तुम पर विश्वास करूं? जी हां। तो फिर इसी वक्त तुम्हें मुझसे शादी का इकरार करना होगा। लेकिन क्यों, क्यों आप एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं जिसके साथ आप अपना घर नहीं बसा सकते? लेकिन अगर फिर भी आपका यही हुक्म है तो मैं आपके हुक्म के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती, क्योंकि मेरा खानदान और मेरी बेकसी आपके एहसानात कभी नहीं भुला सकती। लेकिन आप ही सोचिए, आपका क्या फायदा होगा अगर आप किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करें जो अपनी जिंदगी से बेजार हो चुकी है और जो किसी वक्त भी मौत का शिकार बन सकती है। वाह, किस रवानी से लेक्चर दे सकती हो। लेकिन मेरा दिल नहीं पसेजेगा शालिनी, मैं सीधा साधा जवाब चाहता हूँ। बोलो तुम्हारा क्या इरादा है, उसे शादी करोगी या नहीं? अच्छा, तो यूं ही सही, मैं समझूंगी मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। शालिनी, अब मुझे इत्मीनान हो गया, सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। यूरोप की हवा में सेहत और खुशी है, यहाँ रहकर तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी, फिर तुम्हारा ऑपरेशन बिल्कुल आसान हो जाएगा, उसके बाद शादी। शालिनी, क्या तुम अभी खुश नहीं हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अब सिर्फ आपके पैर में थोड़ी सी कमजोरी रह गई है,
चंद रोज में चलते फिरते ये भी जाती रहेगी। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। राकेश, ये लो यूरोप जाने के टिकट। देखो, बर्तन, बिस्तर, आशा के जेवर, हरी की अंगूठी, मैक की घड़ी, यानी हर चीज इसमें आ गई। सब चीज सिखाए लगा दी ना। अब तुम ठाट से यूरोप जा सकते हो। दोस्तों, टिकट नहीं, तुम्हारी मोहब्बत और जज्बात का आईना है, जिसमें दोस्ती और इंसानियत की तस्वीर नजर आती है। तस्वीर तेरी रहती है, मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है। सोचता हूँ मैं कभी, क्या तुझे भी है खबर के तेरी एक नजर है मेरी शाम सहर। तू बहारों का है दिल, तू नजारों का जिगर है जाने वफा। दिल के आईने में तस्वीर तेरी रहती है, मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है। दिल के आईने में उसने मासूम तेरा कभी मगरूर ना हो, अपनी तारीफ तुझे कभी मंजूर ना हो। इश्क वालों पे जफा तेरा दस्तूर ना हो, ऐ जाने वफा। दिल के आईने में तस्वीर तेरी रहती है, मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है। दिल के आईने में Have you seen this girl before? No, not this girl.
I'm sorry. आ गए राकेश, मैं जानता था कि तुम्हारी बेवकूफी एक न एक दिन तुम्हें तुम्हारी हद से बाहर ले आएगी। किसकी हद कहां तक है वो अब मालूम होगा। शालिनी कहां है? शालिनी, तुम्हारी ये मजाल की एक भिखारी होते हुए एक करोड़पति की मंगेतर का नाम लेते हो। शालिनी ने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है। ये फैसला मैं उसकी जबान से सुनना चाहता हूँ। शालिनी कहां है? तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर। जिस दिन तुम्हें छोड़कर मेरे साथ चली आई उसी दिन उसने अपना फैसला तुमको सुना दिया था। शालिनी नहीं आई, उसकी मजबूरी तुम्हारे साथ आई है। शालिनी अपनी तमन्नाएं, अपनी आरज़ूएं, अपनी जिंदगी मेरे पास छोड़ आई थी, वही लौटाने आया हूं। तो जाओ, कोशिश करो, इस जमीन की खाक छानते रहो। शालिनी तुम्हें नहीं मिलेगी, और जब मिलेगी तो मेरी पत्नी के रूप में। प्रिंस ऋषिकेश, तुम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हो ना, लेकिन अगर भगवान भी शालिनी को मुझसे जुदा करने की कोशिश करे तो उसे भी कामयाब न होने दूंगा। याद रखो, अगर शालिनी की मजबूरी का फायदा उठाकर तुमने उस पर कोई भी जबरदस्ती की तो मेरे हाथों कुत्ते की मौत मारे जाओगे। शालिनी, हम कॉन्टिनेंटल टूर पर जा रहे हैं। इतनी जल्दी? अभी तो मैं अच्छी भी नहीं हुई। ये कोई अच्छा नहीं मालूम होता कि तुम्हारी जैसी लड़की प्रिंस ऋषिकेश के साथ यूरोप आए और एक होटल के कमरे में बंद रहे। मेरे साथ चलोगी तो तुम्हारे जर्द रुखसार एक बार फिर गुलाब की तरह दमक उठेंगे। ये एकदम से आपको क्या हो गया है? सुना है मिस्टर राकेश यूरोप आ गए हैं। मैं नहीं चाहता कि वो काली घटा फिर तुम्हारी जिंदगी की बहार को खत्म कर दे। मैं दौड़ नहीं सकता, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? हाँ, जिस दिन तुम चली आई मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन एयरपोर्ट जाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब क्या हाल है? अब इसे ठीक हो जाना चाहिए। मौत से बचकर मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए आया। शालिनी, मुझे माफ कर दो। आप अमीर आदमी है, माफी मांगना आपको शोभा नहीं देता। ठहरो शालिनी, मैं सच कहता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं सच मुझे गरीब आदमी हूँ शालिनी, मुझ पर यकीन करो शालिनी। देखिए, आखिरी बार सुन लीजिए, यकीन और मोहब्बत सिर्फ एक ही बार मुमकिन है। इतवार उठ चुका है, अब आपके झूठ और फरेब का जादू नहीं चल सकता।
तुम जानती हो कि गलती सबसे होती है शालिनी। मेरी बात का सिर्फ एक बार यकीन कर लो, मैं सचमुच एक गरीब आदमी हूँ, अमीर नहीं हूँ। क्या कहा, आप गरीब हैं? तो मैं चाहती हूँ सारी दुनिया आप ही की तरह गरीब हो जाए। गरीब आदमी यूरोप की सैर करता है, गरीब आदमी इस ठाट बाट से कीमती कपड़े पहनता है, गरीब आदमी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है और बड़े शौक से उनका एक्सीडेंट कर देता है। आप किसे धोखा देना चाहते हैं मिस्टर राकेश? आपका एक्सीडेंट अमीरों का दीवानापन है, गरीबों की जिंदगी को कुचल डालने का एक शौक है, सिर्फ शौक। आप यूरोप आए हैं तो तफरी के लिए, अय्याशी के लिए। रास्ते में मुझसे मुलाकात हो गई तो सोचा चलो एक गरीब लड़की की जिंदगी और जज्बात से फिर खेला जाए, उसको अपने खूबसूरत जान में फिर जकड़ा जाए। मुझे मौत मंजूर है लेकिन आपका गरीब आना पसंद नहीं करती। अगर वफादारी और मोहब्बत की रस्म इस दुनिया से उठ नहीं गई तो एक न एक दिन मेरी मोहब्बत का पता चल जाएगा और उस दिन तुम्हें बहुत अफसोस होगा शालिनी। मिस्टर राकेश, मेरे लिए अब जिंदगी और मौत में कोई फर्क नहीं रहा। मैं दिल की मरीज हूँ, चंद दिनों की मेहमान, लेकिन मैं आप और आपकी याद से दूर अपनी रही सही जिंदगी में कुछ सुकून और कुछ खुशी हासिल करने इस परदेश में चली आई हूँ। आपको मेरे प्यार की कसम, अब मुझसे मिलने की कोशिश मत कीजिएगा। तुम्हारी सेहत और तुम्हारी जिंदगी के लिए मैं जान से गुजर जाऊंगा शालिनी। तुम्हें इस दुनिया में मेरी खातिर जीना है, तुम्हें मेरे लिए और मुझे तुम्हारे लिए। जिंदगी तो आप जैसे अमीरों का खिलौना है, अब आप मुझे जिंदगी का तोहफा देना चाहते हैं? इस तोहफे को अपनी दौलत की तिजोरी में संभाल कर रखिए। मैं कह देती हूँ, अगर आपने मेरा पीछा किया और प्यार मोहब्बत का ढोंग रचाने की कोशिश की तो याद रखिए, मेरी मौत के जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप। Oh,
कभी रो के मुस्कुराए, कभी मुस्कुरा के रोए, मेरी दास्तां मुझे ही। राकेश, जहां भी जाऊं तुमको नहीं भुला सकती, कभी नहीं भुला सकती राकेश। मेरे आंसू तुम तक नहीं पहुंचेंगे, हो सकता है कभी ना पहुंचे। थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है कोई हंसी नहीं है, हंसी नहीं है राकेश। ओ राकेश, बीमार को हमेशा जिंदा दिल रहना चाहिए। तू ही बताओ, इस हालत में तुम्हारा ऑपरेशन कैसे हो सकता है? कोई ना कोई खास बात जरूर हुई होगी जिसे तुम उसे छुपाना चाहती हो। शालिनी जी, मुझे शक है तुम किसी से मिली हो। सच बताओ, मैं अपनी बात का जवाब चाहता हूं। बता रही क्यों नहीं? हाँ, राकेश मुझसे मिला था। ओ, तो तुम अब भी उसी से प्यार करती हो? पता नहीं, लेकिन आज उनसे मिलने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं अभी तक उन्हें भुला नहीं सकी हूँ। क्या खूब, मेरी मंगेतर आवारा दो कड़ी का गरीब भिखारी से प्यार करती है। एक गरीब आप जैसे करोड़पति से कई गुना बेहतर इंसान है। काश राकेश भी गरीब होता तो मुझे ये तकलीफ ही ना होती। अच्छा, तो तुम उसे अभी तक करोड़पति समझती हो? लेकिन तुमने तो मुझसे कहा था उसके बारे में तुम्हें सब कुछ मालूम हो गया है। हाँ, ये मालूम हो गया है कि राकेश को अपनी दौलत मोहब्बत से ज्यादा प्यारी है। दौलत? किसकी दौलत? शायद तुम्हारे दिल की बीमारी तुम्हारे दिमाग पर भी असर करने लगी है। तो सुनो शालिनी, तुम्हारा चाहिए था राकेश 125 रुपए माहवार पर एक दुकान में नौकरी करता है। तुम्हारा चाहिए था राकेश उस बदबू भरी बस्ती में एक 10 रुपए वाली अंधेरी कोठरी में इसीलिए रहता है ताकि उसके महल और नौकर चाकरों का खर्च बच जाए। क्या कह रहे हैं? जरा साफ साफ बताइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो गौर से सुनो, तो गुंडा आवारा लफंगा 100 साल में भी करोड़पति नहीं बन सकता है। न जाने किस जालसाजी से यूरोप चला आया है। रुक जाइए, फिर कहिए कि वो अमीर नहीं। बार बार कहिए कि वो अमीर नहीं। नहीं नहीं नहीं, वो 125 रुपए का सेल्समैन है, पुराने कपड़े फटे हुए जूते आवारा दोस्त, समझी? तो ये सच है कि उसके पास रुपए नहीं है? हाँ, बिल्कुल सच। तो मैंने अन्याय किया है, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि शायद भगवान भी मुझे माफ ना करे। राकेश, तुम नहीं जा सकती, तुम नहीं होने वाली चीज़ है, नहीं जा सकती। छोड़ दो मुझे, मुझे राकेश के पास जाने दो। ऋषिकेश, शालिनी की जान की जिम्मेदारी आप पर है, आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। क्यों? इसके बगैर यूरोप के डॉक्टर हार्ट ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। आपको शायद मालूम हो कि हार्ट ऑपरेशन कितना खतरनाक होता है।
इसमें बचने के चांसेस कम, मर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। मुझे मिस शालिनी की हालत पर बहुत अफसोस है। प्लीज साइन हियर। थैंक यू वेरी मच। ऑपरेशन से बचना बहुत ही मुश्किल है। शालिनी का ऑपरेशन हो गया है, उसकी जिंदगी के लिए दुआ करो। अभी वो प्रिंस के साथ स्पेन में है। स्पेन एक अजीबोगरीब मुल्क है जहां बुल फाइट का तमाशा लाखों लोग बड़े शौक से देखते हैं। बुल फाइट में आपकी जान चली जाती है या आप रुपयों से मालामाल हो जाते हैं। यूं तो शालिनी के न मिलने का गम और यूरोप की सख्त सर्दी और भूख से मरना आसान है, लेकिन सोचता हूँ कि तुम लोगों की दुआ से जिंदगी की एक आखिरी बाजी और लगा दूं। मैं भी बुलफाइट करूंगा। मेरी बुलफाइट की खबर सुनकर शालिनी जरूर देखने आएगी और आकर मेरी मौत का नजारा करेगी। अगर मैं बाजी जीत गया तो उन रुपयों से मेरी गरीबी और शालिनी की मजबूरियां खत्म हो जाएंगी। उसके सारे सपने, सारे अरमान पूरे कर दूंगा। ये मेरा आखिरी खत समझो। अलविदा। राकेश, भगवान राकेश की रक्षा करें। ओ गॉड, सेव राकेश। हुजूर, हुजूर, माय लॉर्ड, ओहो, गजब हो गया। ये देखिए पोस्टर, हिंदुस्तान के नौजवान और स्पेन के भैंसे की फ्री स्टाइल कुश्ती। राकेश बुल फाइटर बन गया है। अब राकेश, बट भाई, इस पोस्टर को गौर से देखो। ये बुल नहीं, राकेश की मौत का फरिश्ता है जो इसका इंतजार कर रहा है। स्पेन का सबसे खतरनाक बुल है। राकेश बच नहीं सकता। Thank you.
राकेश की मौत का फरिश्ता है। Young lady, are you not going? Where? Your boyfriend is fighting the bull today. Oh no, Rakesh. शालिनी नहीं आएगी। याद रखो, शालिनी को अभी मेरा कर्ज अदा करना है। फूटी कौड़ी पास नहीं, शालिनी के हिमायती बने फिरते हो। कर्जे की धौंस किसे दे रहे हो? बुलफाइट के रुपए से तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। जाओ, बाहर इंतजार करो। आओ शालिनी। शरबती आंख तेरी, चंपई रंग तेरा, शबनमी हुस्न तेरा, जिंदगी भर का नशा, दिल की धड़कन है मेरी तेरे पायल की सदा। ऐ जाने वफा, दिल के आईने में तस्वीर तेरी रहती है। मैं ये समझा कोई जन्नत की परी रहती है। दिल के आ